नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर वर्मा, हमारे लोकप्रिय चैनल आयुर्वेदिक खजाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो शायद आप नहीं जानते। जी हाँ, कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमेशा आपके आसपास होती हैं, लेकिन किस प्रकार आपके शरीर के लिए लाभदायक है, यही जानकारी देता है हमारा ये चैनल आयुर्वेदिक खजाना। दमा यानी सांस फूलना और उसका उपचार। दोस्तों, 40 वर्ष की आयु के बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने शरीर में एक तरह की हीनता महसूस करते हैं, बिना किसी उत्साह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिन लोगों के चलने फिरने पर, दम फूलने पर श्वास दमा पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनके लिए मामूली सा पैदल चलना भी कठिन मालूम होता है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ बताए गए कुछ प्रयोग जीवन में नया उत्साह पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जिन आयुर्वेदिक चीज़ों का जिक्र करने जा रहा हूँ, आप उन पर गौर कीजिए। नंबर 1, वाय विडंग। नंबर 2, सफ़ेद पुनर्नवा। नंबर 3, चित्रक के जड़ की छाल। नंबर 4, सतगिलोय। नंबर 5, सौंठ। नंबर 6, काली मिर्च। नंबर 7, छोटी पीपर। नंबर 8, अश्वगंधा नागौरी। नंबर 9, असली विधारा। नंबर 10, बड़ी हरण का छिलका। नंबर 11, बहेड़ा की बकली। नंबर 12, आंवला की बकली। दोस्तों, ये कुल 12 आयुर्वेदिक औषधियों का किसी पंसारी से 200 ग्राम की मात्रा में खरीद लीजिए। फिर सबको साफ करके बारीक बारीक अलग अलग पीस कर मैदा वाली छलनी से छान लीजिए। सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अच्छे गुड़ की एक लार या चाशनी बनाकर सारी मिक्स की हुई चीज़ों को उसमें डाल दीजिए। फिर उसे थोड़ा सा टाइट होने पर 6-6 ग्राम की गोलियां बनाकर छाया में सूखने के लिए रख दें। अब थोड़ी ही देर में दवा तैयार है। अब दोस्तों, इसका सेवन कैसे करना है ये जानिए। सुबह एक गोली गाय के ताज़ा दूध के साथ लेना अधिक लाभकारी साबित होता है। और दोस्तों, इस दवा के सेवन के समय आपको किसी भी चीज़ का परहेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।